आज बारी है डेल्टिन जैक की और हम लोग जाने वाले हैं डेल्टिन जैक कैसीनो में और कार हमारी खड़ी है, बस इसमें बैठना है और निकलना है डेल्टिन जैक के लिए और आज भी होगी खूब सारी मस्ती। आज मैं डेल्टिन ग्रुप के ही दूसरे कैसीनो डेल्टिन जैक में गया जो कि इंडिया का फर्स्ट कैसीनो है और ये भी पंजिम में ही मांडवी रिवर में है लेकिन इसके चार्जेस कम हैं। कैसीनो की दुनिया में आपका स्वागत है डेल्टिन जैक में और ये है एंट्री पॉइंट और यहाँ पे क्या एंट्री चार्जेस होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो जल्दी से अंदर चलते हैं और मैं जा रहा हूँ VIP काउंटर पे। तो अभी मैं काउंटर पे आ चुका हूँ और जो हमारा यहाँ पे प्रोसेस होगा, जो टिकट्स वगैरह मिलेंगे, जो बैंक कल जैसे दिए गए थे रॉयल में वैसे ही यहाँ पे भी दिए जाएंगे और अब वही प्रोसेस हो रहा है। यहाँ आपको ID ज़रूर लेके आनी है और दोनों पर्सन की ID आप ज़रूर रखनी। डेल्टिन जैक में एंट्री के लिए आपको मिनिमम 1500 पर पर्सन देने होते हैं और इसमें अनलिमिटेड डिनर के अलावा अनलिमिटेड हाउस ब्रांड लेकर भी मिलती है। इसके साथ ही 2000 और 2500 का भी पैकेज होता है जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो अभी मैं डेल्टिन जैक के रिसेप्शन एरिया में आ चुका हूँ और यहाँ पे आपके जो चेकिंग्स वगैरह बेसिक होती है वो होगी, फिर उसके बाद आप कैसीनो में एंट्री कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे काउंटर्स हैं, उधर भी काउंटर्स बने हुए हैं और बाकी आगे की तरफ एंट्री करेंगे। यहाँ पर टोटल 4 फ्लोर है और यहाँ का भी कैसीनो काफ़ी अट्रैक्टिव है और डेल्टिन के जैसे ही यहाँ भी गेम्स होते हैं। तो अभी ये जो डेल्टिन का मेन गेमिंग एरिया है वो है, उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह। लोगों को बहुत पसंद आती है भाई विस्की, रम, दारू जो भी वो यहाँ पे मिलेगी आपको अनलिमिटेड। अलग अलग पैकेज हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इसका सिस्टम है, आपको वो मैं बता दूँगा। ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये है आपका डेमो एरिया जहाँ पे आप सीख सकते हैं कि गेम्स को एग्जैक्टली खेलना कैसे है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि गेम्स में कैसे क्या चीज़ें होती हैं, किस पे कितने आपको अमाउंट मिलते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको किस चिप के क्या रेट्स हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये आप पूरा देख रहे होंगे गेमिंग एरिया है और ये काउंटर आप देख रहे होंगे कैश डेस्क है जहाँ पे अगर आप कुछ मनी जीतते हैं तो आपको वो चिप के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है कैश में और आपको मिल जाएगा। स्मोकिंग एरिया यहाँ भी बना रखा है जैसा कि नीचे था। और अब ये है टेबल जहाँ पे आप देख रहे होंगे ढेर सारी चिप्स वगैरह हैं और अमेरिकन रूलेट। ओके, तो ये है अमेरिकन रूलेट गेम और आगे भी चलते हैं। यू कैन से दैट यू आर गोइंग टू प्ले दिस गेम ओनली बिकॉज़ आगे वही खेलेंगे। ओके, आगे भी ऐसे कई सारे ये काउंटर हैं, मतलब बहुत सारे जब लोग होते हैं यहाँ पे तो सब गेम्स होते रहते हैं और सब पे काउंटर होते हैं इसलिए अलग अलग काउंटर्स बना रखे हैं। तो मैं आ चुका हूँ अमेरिकन रूलेट टेबल पर और ये रही मेरी चिप्स की बिल्डिंग। ये जो एक चिप है ये 200 रुपीज़ की है और यहाँ पे टोटल ये जो आप देख रहे होंगे मैंने ली हुई है एक बिल्डिंग जो है वो 20 चिप की है, मतलब कि 4000 रुपये की, 16000 रुपये की मैंने टोटल लिए हुए हैं। अब ये गेम कैसे होता है वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे इवन नंबर, इवन नंबर मीन्स आप कोई भी आपका इवन नंबर आ जाता है तो आप इसमें जीत सकते हैं, डबल अमाउंट है, अलग अलग उसका भी रेंज है। ये आप देख रहे होंगे इवन नंबर मीन्स
10 आता है, 12 आता है, 14 आता है, मतलब इस तरह से इवन नंबर जैसे आप जानते हैं वो आता है तो आप जीतते हैं। 1 to 18 की रेंज में भी आ जाता है तो मैं इसमें जीत जाऊँगा, इस तरह से गेम है। और अगर आप चाहें तो पार्टिकुलर अमाउंट सपोज 12 पे या फिर 9 पे लगा देंगे, बट उसमें थोड़ा रिस्क हो जाता है, लेकिन उसमें विनिंग के चांसेस भी, विनिंग अमाउंट भी ज़्यादा होता है, मतलब 35 टाइम्स आप जीतेंगे। सपोज मैंने 12 पे लगाया और 12 आ गया तो आप सोच सकते हैं कि 35 टाइम्स, मतलब आप 4,000 रुपये भी लगाते हैं तो उसका 35 टाइम्स आप सोच सकते हैं कितना हो सकता है। तो वो तो लक है बट रिस्क भी पूरा है पूरा, एक बार में आपको 4,000 जा भी सकता है। तो अभी मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हुए मैं 1 to 18 में लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो बॉल है वो अभी उसको भी मैं बताता हूँ कि मैं 1 to 18 मैंने लगा दिया है। और अब इसके बाद यहाँ पे जो रूलेट है इसमें अब बॉल्स को घुमाया जाएगा। 1 to 18 में आप मनाओ कि आ जाए मेरा। लग रहा है कि आ जाए किसी तरह। अब आप 7 आया है, 1 to 18 में 7 आया है। जस्ट डबल हो गया है, किस्मत चमक गई, 4,000 के 8,000 हो गए हैं। अब मन तो और कर रहा है गेम खेलने का, रिस्क नहीं लेने का। जितना मिला उसमें सैटिस्फाई। मैं अभी जाके एक कैश काउंटर है यहाँ पर और वहीं पे मैं जाके अपना आराम से रिलैक्स करके अब जाके बस खाना पीना खाऊंगा और आज मस्ती करनी है। मुझे यहाँ का डिनर डेल्टिन रॉयल से काफी टेस्टी लगा, लेकिन यहाँ सिटिंग एरिया रॉयल के कंपैरिजन में कम है और डांस एंड सिंगिंग परफॉर्मेंस भी इसी फ्लोर पर होता है। टॉप फ्लोर पर आप यहां केवल हल्के फुल्के स्नैक्स का आनंद उठा सकते हैं। डेल्टन जैक भी 24/7 ओपन होता है, लेकिन इवनिंग में 7 बजे से यहां पर रात को 1 बजे तक अच्छा क्राउड होता है। यहाँ पे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ले सकते हैं और आपके जो कॉकटेल जो होते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। और मैंने तो जैसा कि बताया मोजिटो का ही नाम सुना था तो वही ले रहा हूँ, और बाकी जूसेस वगैरह भी आप ले सकते हैं। अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं तो जूसेस वगैरह भी मिल जाएगी आपको, और देख ही रहे होंगे सब तरह की यहाँ पे मिस्टी वगैरह है, तो उनके लिए जो पीते वगैरह हैं उनको यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा और उनके लिए पैसा वसूल प्लेस भी है मेरे लिए थोड़ा सा। और वैसे तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पूजा ने बताया मुझे ये जो रेड बैंड है ना मैंने लिया है, इसमें इम्पोर्टेड बियर दारू सब पी सकता हूँ मैं, अनलिमिटेड है, तो ये खास चीज़ है। हाँ, 2500 रुपीज़ में अनलिमिटेड मिलता है, तो अभी मुझे यही है, बट मैं वसूल नहीं कर पाऊँगा ड्रिंक करके। लेकिन आप आएँ तो, अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरी मोजिटो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, मैं तो नहीं करता हूँ ड्रिंक इसलिए वसूल नहीं कर पा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है, कभी कभी अफसोस होता है थोड़ा सा तो नहीं, ऐसी जगहों पे आगे जब वसूल ना हो पाए तो थोड़ा सा ये तो लगता है कि 2,500 रुपये दिए हैं और फिर उसके बाद मेरे को ये मोजिटो तो पीना पड़ रहा है। वैसे ये भी आती है 100-200 की, तो आती है 200 की तो कम से कम आती है, मज़ेदार है।
तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।